नमस्कार। उत्तर प्रदेश उपचुनाव को लेकर हर एक सीट का संपूर्ण विश्लेषण सामने आ चुका है और विश्लेषण में जो आकलन है उसमें चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं और इन आंकड़ों के आधार पर किस सीट पर किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है, क्योंकि ये उपचुनाव यहाँ पर हर एक पार्टी के लिए अग्नि परीक्षा की तरह देखा जा रहा है। मुख्य टक्कर भारतीय जनता पार्टी और यहाँ पर समाजवादी पार्टी में देखने को मिल रही है, क्योंकि कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को समर्थन दिया है। तो यहाँ पर किस सीट पर किसका पलड़ा भारी है और किस आधार पर जो है किसका पलड़ा भारी है, संपूर्ण आंकड़े यहाँ पर सामने आ चुके हैं, क्योंकि अब उत्तर प्रदेश के लिए 13 नवंबर की जगह 20 नवंबर को यहाँ पर वोटिंग होगी और 23 नवंबर को नतीजे सामने आ जाएंगे। लेकिन किसका आंकड़ा आगे दिखता है, क्योंकि इस बार अगर बात की 9 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर जो है दो दलित उम्मीदवार को अपना उम्मीदवार घोषित किया है, ब्राह्मण 2, ठाकुर 2 और ओबीसी 3 यहाँ पर चेहरों को टिकट दिया है, जबकि समाजवादी पार्टी ने 4 मुस्लिम, 3 दलित और 2 ओबीसी चेहरों को यहाँ पर टिकट दिया है। और इसके बाद अगर बात की जाए तो ये उपचुनाव 2027 के लिए एक रोड मैप तैयार करेगा कि आखिर उत्तर प्रदेश की राजनीति किस तरफ करवट लेगी, क्योंकि इन 9 सीटों के लिए सीधे तौर पर अपने अपने जीत के दावे किए जा रहे हैं, क्योंकि सीएम योगी के लिए ये यहाँ पर 9 सीटें अग्नि परीक्षा की तरह हैं। लेकिन प्रमुख जो सीटें हैं जहाँ कड़ी टक्कर है, करहल सीट जहाँ 1.25 लाख से ज्यादा यादव वोट बैंक है, कुंदी की सीट जहाँ 60% से ज्यादा मुस्लिम मतदाता है, सीसामऊ 45% से ज्यादा मुस्लिम मतदाता, मिल्कीपुर दलित प्लस यादव करीब 2 लाख, फूलपुर सीट दलित प्लस यादव करीब 1.5 लाख है। तो ये सीटें अग्नि परीक्षा की तरह हैं, लेकिन 9 सीटों को लेकर जो आकलन है, जो अपना अपना जीत का दावा किया जा रहा है, उस आधार पर किसका पलड़ा भारी है, क्योंकि अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव में एक बड़ी जीत के बाद अब यहाँ उपचुनाव और विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटे हुए हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को इस बार उत्तर प्रदेश में बड़ा फायदा मिला है और इसी कारण से भारतीय जनता पार्टी ने इन 9 सीटों को लेकर कई बड़े मंत्रियों को यहाँ पर जिम्मेदारी दी है। लेकिन इन 9 सीटों के लिए क्या त्रिकोणीय टक्कर होने जा रही है या सीधी टक्कर भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी में देखने को मिलेगी, लेकिन माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो यहाँ पर बीएसपी का वोट शेयर है वो समाजवादी पार्टी की तरफ शिफ्ट हो रहा है। लेकिन कितना नुकसान समाजवादी पार्टी को बीएसपी के 9 उम्मीदवार देने जा रहे हैं, इसके भी आंकड़े आपको दिखाने जा रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं मजाबाद सीट को लेकर और मजाबाद सीट का जो विश्लेषण है वो किसके पक्ष में सारा करता नजर आ रहा है। यहाँ पर अगर बात की जाए तो प्रमुख टक्कर भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी के बीच दिखाई दे रही है, क्योंकि दोनों यहाँ पर पार्टी ने महिला उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतारा है, लेकिन किस महिला उम्मीदवार का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। लेकिन इसे और महत्वपूर्ण बनाता है यहाँ पर बीएसपी उम्मीदवार, यानी बीएसपी उम्मीदवार जो दीपक तिवारी चुनावी मैदान में है, और इस कारण से अगर बात की जाए तो ब्राह्मण वोट यहाँ पर करीब 87,000 है और इसका सीधा तौर पर फायदा यहाँ पर बीएसपी मायावती की पार्टी कितना उठा पाएगी और इसका नुकसान समाजवादी पार्टी को भी यहाँ पर होता नजर आएगा, जो आंकड़े सामने आ रहे हैं। दलित करीब यहाँ पर 64,000 हैं, बिंद यहाँ पर 62,000 हैं, यादव वोट बैंक करीब 36,000, मौर यहाँ पर 33,000, अन्य 1 लाख के करीब है मतदाता आ जाते हैं। लेकिन और आंकड़ों की अगर बात की जाए तो देखिए मजाबंद सीट को लेकर जो है यहाँ पर विनोद कुमार बिंद निषाद पार्टी ने 2000 यहाँ पर जो है 22 चुनाव में यहाँ पर जो है जीत हासिल की थी, तो यहाँ पर निषाद पार्टी की ये सीट खाली हुआ है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी और निषाद पार्टी और आरएलडी मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, तो ये सीट भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर ही चुनाव लड़ा जा रहा है। और यहाँ अगर बात की जाए तो यहाँ पर 2022 में समाजवादी पार्टी के रोहित शुक्ला को करीब 33,587 वोट चुनाव बढ़ाया था और लोकसभा चुनाव में भी यहाँ पर बात की जाए तो जो है यहाँ पर एक बड़ी जीत निषाद पार्टी को मिली है। तो इस कारण से माना जा रहा है कि मजाबाद सीट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाने का अनुमान सामने आ रहा है। खैर सीट की अगर बात की जाए तो खैर सीट का जो समीकरण है उसमें देखिए जाट वोट बैंक करीब है 1,15,000 है, ब्राह्मण वोट बैंक करीब 60,000 है, मुस्लिम करीब 30,000, जाटव वोट बैंक की बात की जाए तो 70,000, स्वर्ण यहाँ 35,000 और एसटी वर्ग करीब 1 लाख के करीब है। और यहाँ अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने सुरेंद्र दिलेर को चुनावी मैदान में उतारा है, तो चारू कैन समाजवादी पार्टी उम्मीदवार हैं और पहल सिंह यहाँ पर जो है बीएसपी उम्मीदवार हैं। लेकिन पलड़ा किसका भारी नजर आ रहा है, आंकड़ों के हिसाब से माना जा रहा है कि खैर सीट जो कि भारतीय जनता पार्टी की खाली हुई है 2022 चुनाव में, यहाँ पर बात की जाए तो अनुप प्रधान वाल्मीकि बीजेपी उम्मीदवार जीते थे, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी ने सुरेश दिलेर को यहाँ पर चुनावी मैदान बता रहा है। और यहाँ पर बात की जाए तो 2022 में बसपा के चारू कैन को यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने हराया था। तो ऐसे में बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी क्या यहाँ पर बीएसपी से कड़ी टक्कर मिलेगी,
या फिर समाजवादी पार्टी से यहां पर जो है टक्कर मिलेगी, क्योंकि चारूकेन अब समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर गई हैं। तो अब माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में यहां कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का यहां पलड़ा भारी नजर आ रहा है, क्योंकि विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में दोनों चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़े अंतर से यहां पर जीत हासिल की थी, तो इसका फायदा उनको मिलता नजर आ रहा है। कुंदी की सीट की अगर बात की जाए तो कुंदी की सीट की प्रमुख टक्कर अगर बात की जाए तो यहां पर मुस्लिम मतदाता विशेष यहां पर बात की जाए तो अन्य 35% हैं और मुस्लिम मतदाता करीब यहां पर 65% हैं। उसी कारण से अगर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी ने हाजी रिजवान को चुनावी मैदान में उतारा है और यहां पर कुंदी की सीट महत्वपूर्ण मानी जा रही है और ये सीट यहां पर भारतीय जनता पार्टी के लिए यहां पर बात की जाए अग्नि परीक्षा की तरह देखी जा रही है। और यहां समाजवादी पार्टी के लिए अगर मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं वो है बीएसपी पार्टी उम्मीदवार यानी रफतुल्ला उप यहां पर जो है वो चुनावी मैदान में, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने ठाकुर यहां पर रामवीर सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है। आंकड़ों की अगर बात किया कुंद की सीट को लेकर जो आंकलन रहा है वो समाजवादी पार्टी के पक्ष में रहा है। विधानसभा चुनाव की बात की जाए या लोकसभा चुनाव की बात की जाए, दोनों चुनावों में समाजवादी पार्टी को कुंद की सीट पर जीत मिली है। उसके पीछे का बड़ा कारण है कि यहाँ मुस्लिम मतदाता करीब 65% से ज्यादा है, तो इसका फायदा सीधे तौर पर कुंद की में या समाजवादी पार्टी को मिलता नजर आ रहा है, जो आंकड़े सामने आ रहे हैं। फूलपुर सीट का अगर सियासी गणित की बात की जाए तो यहाँ पर जो है चार बड़े दिग्गज नेताओं में कड़ी टक्कर दिखाई दे रही है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने दीपक पटेल और समाजवादी पार्टी ने मुस्तफा सिद्दीकी और बीएसपी ने यहाँ पर जितेंद्र सिंह, निर्दलीय भी यहाँ पर सुरेश यादव चुनावी मैदान में हैं। लेकिन यहाँ पलड़ा किसका भारी है आंकड़ों के हिसाब से, जिस कारण के आंकड़े सामने आ रहे हैं। फूलपुर सीट की बात की जाए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में सीट रही है। अगर बात की जाए तो यहाँ पर प्रवीण कुमार भारतीय जनता पार्टी 2022 में ये चुनाव जीते थे, समाजवादी पार्टी के मोहम्मद मुस्तफा सिद्दीकी को चुनाव हराया था। और इस बार भारतीय जनता पार्टी को क्या कड़ी टक्कर यहाँ मिलने जा रही है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर जीत मिली है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के अमरनाथ मौर्य को 4,332 वोट से चुनाव हरा है। यानी विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव दोनों चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीती है फूलपुर सीट, लेकिन मार्जिन काफी कम रहा है। और इसी कारण से माना जा रहा है कि इस बार फूलपुर सीट पर भी कड़ी टक्कर देखने को मिलने जा रही है। कटहरी सीट की अगर बात की जाए तो कटहरी सीट कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए एक महत्वपूर्ण सीट है, क्योंकि कटहरी सीट के लिए इस बार अगर बात की जाए तो काफी चौंकाने वाले उम्मीदवार के नाम सामने आए हैं, क्योंकि धर्मराज निषाद बीजेपी उम्मीदवार, शोभा बती यहाँ पर वर्मा समाजवादी पार्टी, अमित वर्मा यहाँ पर बीएसपी उम्मीदवार। यहाँ पर अगर बात की जाए तो देखिए दलित ब्राह्मण वोट बैंक निर्णायक है और कौन यहाँ पर जीतेगा ये यहाँ पर दलित प्लस ब्राह्मण वोट यहाँ पर जो है तय करने जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर बात की जाए कटहरी सीट में वोटर्स में देखिए मुस्लिम करीब 40,000 है, यादव वोट बैंक की बात की जाए तो करीब 22% है, निषाद यहाँ 30,000 है, मौर्य 10,000 के करीब है, नाई यहाँ 8,000, चौहान 5,000, विश्वकर्मा यहाँ 40,000 के करीब है, अन्य समुदाय की अगर बात की जाए तो करीब 10,285 आ जाती है जो निर्णायक है कि कटहरी सीट पर आखिर किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है। और कटहरी सीट की बात की जाए तो समाजवादी पार्टी की सीट खाली हुई है और लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव दोनों चुनावों में समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की है। हालांकि 2022 विधानसभा चुनाव में जो है निषाद पार्टी के अवधेश कुमार को 7,260 वोट चुनाव बढ़ाया था और लोकसभा चुनाव में करीब 1,72,247 वोट से समाजवादी पार्टी यहाँ पर जीती है। तो माना जा रहा है कि सीट पर समाजवादी पार्टी का पलड़ा भारी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी यहाँ पर कड़ी टक्कर देती नजर आ रही है। तो मीरापुर सीट को लेकर जो प्रत्याशी हैं वो काफी महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं, क्योंकि सुमनबुल राणा समाजवादी पार्टी उम्मीदवार हैं, तो मिथिलेश पाल बीजेपी आरएलडी यहाँ पर मिलकर चुनाव लड़ रही है और बीएसपी ने शाह नजर को चुनावी मैदान में उतार कर कहीं ना कहीं त्रिकोणीय टक्कर यहाँ पर होने जा रही है। लेकिन पलड़ा माना जा रहा है कि इस सीट पर सीधे तौर पर किसका भारी है, क्योंकि यहाँ ओबीसी करीब 38% हैं, मुस्लिम करीब 37% हैं, दलित 20% और सवर्ण यहाँ 5% आ जाते हैं। तो क्या बीएसपी सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी का खेल यहाँ पर बिगाड़ने जा रही है? आंकड़ों के हिसाब से माना जा रहा है कि सीट पर आरएलडी ने 2022 चुनाव में जीत हासिल की थी और यहाँ पर अगर बात की जाए तो विधानसभा चुनाव में बीजेपी के प्रशांत चौधरी को ही 27,380 वोट चुनाव हराया था, लेकिन इस बार आरएलडी और बीजेपी गठबंधन में चुनाव लड़ रही है और लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी दीपक को करीब 37,508 वोट चुनाव हरा है। यानी दोनों चुनावों में यहाँ पर आरएलडी का पलड़ा भारी रहा है। तो मीरापुर सीट पर समाजवादी पार्टी और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी में कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। भाई अखिलेश क्या बचा पाएंगे या करहल का किला, क्योंकि ये किला कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के लिए महत्वपूर्ण किला रहा है और इसके आंकड़े देखिए अगर करहल सीट की बात जाए
तो यादव वोट बैंक करीब 30% है, साक यहाँ 13% है, राजपूत 8% है, ब्राह्मण 6% है, लोधी यहाँ पर 3% आ जाते हैं। और करहल सीट का जातीय समीकरण अगर बात की जाए तो दलित यहाँ करीब 14% है, मुस्लिम 5% है, यादव वोट बैंक करीब 30 और अन्य यहाँ पर 21 आ। 2022 में बीजेपी के प्रोफेसर SP बघेल को 66,782 वोटों के यानी बड़े मार्जिन से 2022 का चुनाव समाजवादी पार्टी ने जीता था और लोकसभा चुनाव में भी यहाँ पर एक बड़े अंतर से समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की है। तो करहल सीट पर माना जा रहा है कि जिस कार से यहाँ पर तेज प्रताप यादव चुनावी मैदान में है तो करहल सीट पर समाजवादी पार्टी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। उपचुनाव की अगर बात की जाए तो गाजियाबाद सीट भी कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण सीट मानी जा रही है और गाजियाबाद सीट की अगर बात की जाए तो यहाँ ब्राह्मण वोट बैंक करीब 55,000 है, दलित करीब 80,000 है, OBC यहाँ 45,000 है, मुस्लिम 35,000, वैश्य यहाँ 35,000, जाट करीब 10,000, ठाकुर करीब 25,000, यादव वोट बैंक करीब 12,000 के करीब है। और इस हिसाब से अगर बात की जाए तो देखिए गाजियाबाद सीट पर बीजेपी ने कमल खिलाया था 2022 चुनाव में और लोकसभा चुनाव में, दोनों चुनावों में एक बड़े अंतर से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल किया है। और इसके पीछे के लिए अगर बात की जाए तो यहाँ पर 2022 चुनाव में करीब 1,05,537 वोट चुनाव जीता था भारतीय जनता पार्टी ने और यहाँ अगर बात की जाए लोकसभा चुनाव में भी तो यहाँ पर करीब 3,36,965 वोट चुनाव जीता है। तो गाजियाबाद सीट पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर कमल खिलाती नजर आ रही, जो आंकड़े सामने आ रहे हैं। जबकि सीसामऊ सीट की अगर बात की जाए, सीसामऊ सीट भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ सीधी टक्कर मुस्लिम मतदाता विशेष ब्राह्मण वोट बैंक की जंग में कौन जीत सकता है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के इरफान सोलंकी को करीब 7 साल की जेल हुई है। हालांकि लोकसभा चुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ कमल खिलाया था, इस कारण से सीसामऊ सीट पर इस बार माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच कड़ी टक्कर यहाँ पर देखने को मिलने जा रही, जो आंकड़े सामने आ रहे हैं। इस तरह से बात की जाए तो उपचुनाव को लेकर काफी हलचल है और उपचुनाव में आखिर किसका नारा चलेगा और कौन कहां जाएगा ये तो उत्तर प्रदेश की जनता तय करेगी। लेकिन जो करहल सीट के लिए 2022 के जो नतीजे थे वो समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की थी, इस बार कौन जीतने जा रहा है और दूसरे नंबर भारतीय जनता पार्टी रही थी 67,504 वोटों का अंतर। कुंद की सीट पर भी समाजवादी पार्टी जीत हासिल की थी, सीसामऊ पर समाजवादी पार्टी, इसके अगर बात किया कटहरी सीट पर भी समाजवादी पार्टी जीत हासिल की थी, यानी 4 सीट पर समाजवादी पार्टी, गाजियाबाद और खेड़ सीट भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी, मजावा सीट निषाद पार्टी और मीरापुर सीट RLD और फूलपुर सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने कमल खिलाया था। तो इस बार माना जा रहा है कि कई सीटों पर सबसे बड़े उलटफेर की संभावना दिखाई दे रही है। आपको क्या लगता है, इस उपचुनाव को लेकर अपने रख सकते हैं उत्तर प्रदेश की जनता उपचुनाव में किसका साथ देगी, क्योंकि ये उपचुनाव न सिर्फ उपचुनाव है बल्कि 2027 के लिए एक यहाँ पर महत्वपूर्ण चुनाव की तरह देखा जा रहा है। तो आपको क्या लगता है, राय रख सकते हैं। मिलते हैं और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।